गाइज, ये पार्ट टू है जिसमें कि मैं आपको माँ दुर्गा को कैसे कलर करना है आल्टा से सिखाने वाली हूँ कम्प्लीटली। तो बिना देरी किए गाइज चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ऑलरेडी आउटलाइन ड्राइंग बना ली हूँ जो कि मैं आपको सिखाई भी थी पार्ट वन में, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो देख लेना पार्ट वन, समझ में आ जाएगा आउटलाइन ड्राइंग कैसे करना है। और यहाँ मैं नॉर्मली जो घर पे आलता रहता है ना परा हुआ, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने हल्का सा निकाल लिया है पैलेट में, और नेक्स्ट समय आउटलाइन को हल्का सा इरेज कर लेना है। और जहाँ पे डार्क रखना है लाइक आईज हो गया, हेयर हो गया, वहाँ पे इरेज नहीं करना है। जहाँ पे लग रहा है कि इरेज करने का ज़रूरत है बस वहीं पर करना है, क्योंकि हम लोग आलता से कलर करने वाले हैं, ज़्यादा डार्क होगा नहीं, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बिल्कुल बेस लेयर बनाई हूँ, इसको बनाने के लिए बस आपको हल्का सा आलता लेना है और ज़्यादा वाटर लेना है, अच्छे से मिक्स करके फेस पे अप्लाई करना है। ये मैं बिल्कुल बेस लेयर ऐड कर रही हूँ माँ दुर्गा के फेस पे, या जो भी स्किन एरियाज है वहाँ पे लाइक ईयर हो गया, नेक का पार्ट हो गया एंड फेस का पार्ट हो गया, तो ये हमें करना है इस तरीके से। देन हल्का सा और अल्टा मिक्स करेंगे और हल्का सा डार्क बनाएंगे पहले वाले से, एंड धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोगों को लेयर बाई लेयर काम करना है। और ये बिल्कुल ना वाटर कलर की तरह ही है, कोई मुश्किल उतना नहीं है। अगर आप वाटर कलर यूज़ करना जानते हो तो आप बहुत ही ईजिली आल्टा से भी ड्राॅइंग कर पाओगे। देन मैं और पे डार्क शेड क्रिएट कर रही हूँ मिक्सिंग करके, आल्टा ऐड करके। और मैंने जो भी शैडो वाला पार्ट है फोरहेड पे हो गया, चिक्स पार्ट यानी कि जो ब्लश है ना फेस पे वो, और जो नेक पे शैडो बन रहा है वो सब मैंने बना लिया है। और इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हमें काम करना है। ज़्यादा डार्क चाहिए तो धीरे धीरे आप आल्टा ऐड करते जाओ, और एकदम एक्स्ट्रा डार्क चाहिए ना तब आप डायरेक्टली आल्टा यूज़ करो एंड कलर करो। सिंपली हमें इसी तरीके से करना है। यहाँ मैंने बिंदी, आईब्रो और लिप्स पार्ट भी बना लिया है, ये बिल्कुल वाटर कलर की तरह ही है, उतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वाटर कलर यूज़ करना जानते हो तो आप बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाओगे, आल्टा ड्राॅइंग कर पाओगे बहुत ही ईजिली। अभी बस मैं जो फेस का फीचर है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल डिटेल में काम कर रही हूँ पतले वाले ब्रश से। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप क्योंकि आल्टा बस यूज़ करके कंप्लीट ड्राॅइंग करने वाले हो, तो आपको इससे ही लाइट, मीड और जो डार्क टोन है सबको आपको इसी से बनाना है। और यहाँ पे ब्लश पार्ट बनाने के लिए सिंपली आप एक स्ट्रोक लगाना, देन क्लीन ब्रश की हेल्प से हल्का सा ब्लेंड कर देना सिंपल वाटर के साथ ही, तो बहुत ही अच्छा ब्लश पार्ट बन जाएगा। और अगर बात करें कि क्या ये आल्टा ब्लेंड होता है अच्छे से, तो हाँ ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत जल्दी ड्राई हो रहा था क्योंकि अभी समर का टाइम आ गया है तो कलर बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है। नेक्स्ट अभी बैकग्राउंड भी बना लेते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल बड़े वाले साइज़ का ब्रश ली एंड वाटर ऐड कर दी हूँ बैकग्राउंड जो भी पार्ट है वहाँ पे। देन आपको कोई भी ब्रश लेना है और डायरेक्ट आल्टा इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई कर देना है, और धीरे धीरे ये स्प्रेड होके ना बहुत अच्छा सा एक लुक देगा बैकग्राउंड पर जो कि बहुत सही लगेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत लाइक अच्छा लगता है। या फिर आप सिंपल सा ग्रेडियंट वाला भी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, वो भी सही लगेगा, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है। और धीरे धीरे जब ये स्प्रेड हो जाएगा और लास्ट में जब ड्राई होगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसी तरीके से अभी क्लॉथ वाला पार्ट भी बना लेते हैं। दुर्गा माँ का साड़ी बनाने के लिए सिंपली आपको इस तरीके से क्रिएट कर लेना है, फोल्ड्स वगैरह बनाना है ताकि साड़ी वाला लुक आए, और बिल्कुल फेस से डार्क रखना है साड़ी वाला पार्ट ताकि थोड़ा डिफरेंस लगे देखने में, तो इस तरीके से काम करना है। एंड जो भी ज्वेलरी वाला पार्ट है वो भी हम बना लेंगे। यहाँ मैं त्रिशूल वाला पार्ट अभी करी थी, तो पहले मैं लाइट सा एक लेयर क्रिएट कर दी हूँ एंड बाद में हल्का डिटेल ऐड करूँगी, तो सिंपली इस तरीके से कर लेना है। हेयर वाला पार्ट मैं कम्प्लीटली लाइक डार्क रखने वाली हूँ, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर आल्टा यूज़ कर लेना है डार्क बनाने के लिए, और दो बार या तीन बार आप लेयर ऐड करोगे ना तो और भी ज़्यादा डार्क बन जाता है, तो सिंपली इस तरीके से कर लेना है। एंड अभी मैं मुकुट वाला पार्ट कर रही हूँ माँ दुर्गा का, जैसे हम लोग वाटर कलर करते हैं उसी तरीके से समझ के आपको करना है। जैसे वाटर कलर में आप कर रहे हो मुकुट का पार्ट तो वो गोल्डन होगा, और गोल्डन में भी लाइटेस्ट होता है बेस लेयर, तो हमें भी यहाँ बेस लेयर क्रिएट करना है बिल्कुल लाइटेस्ट में। एंड इसी तरीके से मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे बेस लेयर मैं ऐड कर रही, देन जो भी डिज़ाइंस है ना वो मैं धीरे धीरे क्रिएट कर रही हूँ। अभी इसमें और डिटेल में काम करेंगे, बस धीरे धीरे इसी तरीके से करना है क्योंकि हमारे पास बस एक ही कलर है जो कि ये आल्टा का कलर है,
इसी को यूज़ करके हमें गोल्डन इफेक्ट जो ज्वेलरी में मुकुट में होता है वो हमें दिखाना है आल्ता में। तो आपको इसी तरीके से समझ के करना होगा। एकदम से अगर आप कम्प्लीटली आल्ता से कलर कर दोगे तो बिल्कुल रेड रेड हो जाएगा और उतना अच्छा नहीं लगेगा जैसा कि अभी दिख रहा है। अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आपको ध्यान देना है हमेशा आपको लाइट कैसे क्रिएट करना है आल्ता में, मीड कैसे क्रिएट करना है और डार्क टोन कैसे क्रिएट करना है आपको समझना होगा। और आप समझ के करोगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मुकुट वाला पार्ट हो गया। डिटेल्स वगैरह जो भी डिज़ाइन से मैं ऐड कर दी हूँ एंड अभी जो नीचे का ज्वेलरी पार्ट है ना वो भी हम बना लेंगे। तो अगेन यहाँ मैं बेस लेयर ऐड कर रही हूँ एंड धीरे धीरे जो डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे। यहाँ जो स्टोन्स है ना ज्वेलरी में उसे बनाने के लिए सिंपली मैं आल्ता डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ एंड इस तरीके से क्रिएट कर दी हूँ। हल्का सा मैं स्पेस छोड़ दीजिए ताकि जो साइन होता है ना स्टोन में वो हमको दिखे। तो कर लेना है सिंपली इस तरीके से और पतला वाला ब्रश लेना है और उससे जो भी डिज़ाइन है लाइन है सर्कल है जो भी है वो आपको क्रिएट कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत लाइक अभी तो सही लग रहा है लेकिन मैं कुछ और ऐड करने वाली हूँ जिससे और भी बेटर लगेगा। वो देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है तब आपको समझ में आएगा एंड कैसे करना है वो भी। अभी जो ट्रिसुल वाला पार्ट है वो भी मैं कर दी, उस पर भी मैं डिज़ाइन वगैरह स्टोन्स वगैरह जो भी है मैं ऐड कर दी हूँ। इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। हेयर वाले पार्ट में हल्का सा और ऐड करी थी आल्ता। अभी गाइज मैं क्या कर रही हूँ कि जो वाइटनर होता है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैं वाइट वाइट क्रिएट कर रही हूँ। जो भी लाइक ज्वेलरी का डिज़ाइन है, मुकुट वाला पार्ट है, साड़ी वाला पार्ट है, जहाँ पे भी लगे आप ऐड कर सकते हो। पहले बहुत सिंपल लग रहा था जब हमने बस आल्ता से करा था लेकिन जब हमने ये वाइटनर ऐड करा है वाइट वाइट डॉट ना तो और ज़्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत अच्छा लगने लगा है। अभी आप देखो जो भी ब्लाउज़ वाला पार्ट है इसमें डॉट डॉट क्रिएट करा तो बहुत ही अच्छा सा लुक दे रहा है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। और मेरा सिग्नेचर डिज़ाइन जो कि ये डॉट डॉट मैं बनाती हूँ हेयर वाले पार्ट पे वो मैंने ऐड कर दिया है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। साड़ी पे भी मैं डॉट डॉट क्रिएट कर दी हूँ तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए। लास्ट में सिग्नेचर कर दी हूँ एंड हमारा कंप्लीट हो गया है आल्ता से माँ दुर्गा का ड्राइंग। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट टाइम आल्ता से इतना अच्छा बनाई हूँ तो मुझे बहुत सही लग रहा है। नेक्स्ट मैं क्या ट्राई करूँ क्या बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।